क्या नाम है? मेरा नाम दीपू यादव। कहाँ के रहने वाले? ये पासी गांव है नगला बार। क्या घटना हुई है? घटना यहाँ सुबह के टाइम था, कोहरा काफी था, बस जो है आ रही थी, ये चढ़ाका बहुत तेज हुआ है। बस किधर से आ रही? बस आ रही थी नंबर 1 साइड से। ट्रक किधर से आ रहा? ट्रक आ रहा था मंजना स्टेशन। कितने लोग घायल हैं? 12 सवारी थी, मतलब फिलहाल उनकी चोट काफी है, उनके पैर भी घायल है और पैरों से काफी चोट है, लेकिन बस का ड्राइवर खत्म हो चुका है, ट्रक का भी ड्राइवर खत्म है, उसमें अंदर फंसा हुआ है। ट्रक का ड्राइवर फंसा हुआ है? हाँ जी, तेज थी, सुबह का टाइम था। कोई प्रशासन मौके पर आया? प्रशासन को खबर दी गई, तभी आई एम्बुलेंस, आई सब लोग भेज दिया है, खबर मिली तब प्रशासन भी आया। कमर पाल कहाँ के रहने वाले हैं? आज आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ घटना हुई थी रोड पे, अपने आप एक्सीडेंट हुआ, झड़ाका हुआ, हम लोग उधर थे, अपने हमारा गांव घर तो उधर पीछे है। किसमें किसमें हुआ झड़ाका? ट्रक में और बस में। बस किधर से आ रही थी? बस आ रही थी दक्षिण साइड से, और गंगाई साइड से ट्रक आ रहा था। मतलब किस गांव की तरफ से आ रही थी? मतलब नवाबगंज से बस आ रही थी, और शमशाबाद मंजना रोड से जो आया उधर से स्टेशन गए से ट्रक आ रहा था। हाँ, तो कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों को? 5-6 सवारी ज़्यादा घायल है, उसके किसी के पैर टूट गया, किसी के पैर में चोट है, और वो एम्बुलेंस लेके भेज दिया, एम्बुलेंस निकाल के गाँव के परिजनों ने मिलकर, और 2 आदमी खत्म हो गए तुरंत, बस का ड्राइवर खत्म हो गया और ट्रक का ड्राइवर खत्म हो गया। कोई गाड़ी में फंसा भी है? हाँ, ट्रक का ड्राइवर फंसा हुआ है अंदर। फंसा हुआ, क्या पूरा मामला है? ये नगला जोधा के पास और बस की, रोडवेज बस की और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें कि बस ड्राइवर और जो इसका जो कंडक्टर है इसका, वो तो ठीक है, लेकिन ट्रक के बस की और ये अपना बस के जो है, इन दोनों ड्राइवर की मौत हो गई मौके पे ही, और बाकी जो सवारियाँ थी, लगभग 4 सवारियाँ हमारे पास आई हैं जो कि गंभीर रूप से घायल थी, जिनका यहाँ पे सीएससी नवागंज में प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है। अधिक जानकारी पुलिस को फिर सूचित कर दी गई है। वहाँ पर मौके पर कुछ लोगों ने बताया कि करीब 1 दर्जन लगभग घायल हैं यहाँ पे, मतलब अपने सीएससी नवागंज में अभी सिर्फ 4 लोग आए हुए हैं एम्बुलेंस द्वारा, तो उनका हुआ है, बाकी अगर जो भी अगर घायल हुआ है तो अदर कोई भी गाड़ी से या एम्बुलेंस द्वारा आएगा, वैसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। घने कोहरे के चलते रविवार को सुबह रोडवेज बस व ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिससे बस व ट्रक के परखच्चे उड़ गए। दोनों वाहनों के चालकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP 76। फरुखाबाद, घने कोहरे के चलते रविवार को सुबह साहिबा डिपो की बस फरुखाबाद से कायमगंज की तरफ जा रही थी। मंजना की तरफ से ट्रक आ रहा था कि अचानक कोहरे के चलते सुबह 8 बजे नवाबगंज मंजना मार्ग पर दोनों वाहनों में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का चालक 23 वर्षीय गोविंद पुत्र बबलू सिंह निवासी घरा कल्याणपुर गड़िया रंगीन ट्रक में ही फंस गया, जबकि रोडवेज चालक 48 वर्षीय लखन कुमार शर्मा पुत्र बसनलाल शर्मा निवासी मेहमदपुर जमालपुर अलीगढ़ बस से निकलकर दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि ट्रक चालक को 2 घंटे बाद मृत हालत से निकाला गया। वहीं रोडवेज में सवार कंडक्टर अजय कुमार पुत्र दयाराम निवासी बिलसर जहानगंज के साथ ही सवारी भाजपा नेता अमित कुमार की 43 वर्षीय पत्नी नीलम व 17 वर्षीय पुत्र अर्पित निवासी शिवनगर फरुखाबाद, अखिलेश पुत्र मन्नी सिंह 24 वर्षीय निशी दीक्षित पुत्र अखिलेश दीक्षित निवासी तलैया लेन फतेहगढ़ व ट्रक में सवार व्यापारी 40 वर्षीय राकेश पुत्र सियाराम घायल हो गए, उन्हें गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, CO डॉक्टर अमरिंद्र कुमार आदि लोहिया अस्पताल पहुंचे और घायलों के हालचाल लिए। जिला अधिकारी ने बेहतर इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए, तो वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने UP 76 न्यूज को बताया। ये आज सुबह करीब 8 बजे के करीब ये थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम नगला जोधा है वहाँ पर एक रोडवेज बस और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर हैं, रोडवेज ड्राइवर हैं, मौके पर ही व्यवस्था कर गए हैं। इसके अलावा
एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर जो लोग घायल हुए थे उन्हें तुरंत से वहाँ से नवाबगंज सी एस सी भेजा गया था, जहाँ से मैं यहाँ पर लोहिया राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, जो घायल हैं उनका बेस्ट उपचार किया जा रहा है। डीएम साहब और हमारे द्वारा और हमारे अन्य जो अधिकारी बन गया उनके द्वारा लगातार इसे कोर्डिनेट करवाया जा रहा है। मौके से भी जो गाड़ियाँ हैं उनको हटवाया जा रहा है, उसके लिए वहाँ पर भी सारे अधिकारी लगे हुए हैं। और कौन कौन लोग सवार थे इसके अलावा अगर हमें कोई ऐसी बात आती है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अभी सभी का जो बेस्ट इलाज है उसके लिए दिशा निर्देशित किया गया है और बाहर से भी डॉक्टर सर बुलाने के लिए कहा गया है सर आपके यहाँ पे निर्देशित किया गया है सीएमओ साहब को कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बाहर से भी डॉक्टरों को बुलाया जाएगा और जो बेस्ट इलाज है दिया जा रहा है और वहाँ से उनको बताया जा रहा है और आगे की जानकारी की जा रही है। थैंक यू। ठीक है।